मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर व्लॉग। आज है संडे, तो भाई तो आपको पता है कि हफ्ते भर के लिए छुट्टी में है, तो हम लोग मिल बांट के सारा काम अभी कर रहे हैं। और फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी, तब वो पोछा मार लेंगे और मम्मी नाश्ता बना लेगी। जी उठने से पहले ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि फिर जी उठ जाती है तो फिर कुछ ना कुछ तो पीछे छूट ही जाता, फिर पूरा दिन उसके पीछे हम लोग परेशान रहते हैं। तो फटाफट से भी काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। टको की आज गुड मॉर्निंग हो गई लगता है। अरे तो चेहरा क्यों छुपा रहे हो? अरे इसमें क्या चेहरा छुपाने, अपने घर के काम करने में कोई चेहरा छुपाता है क्या? अरे होता है ऐसे लोगों के साथ में। अपने घर का काम करते हैं, जब बाहर नौकरी जाकर करते हैं, दूसरों का काम करते हैं, तब तो चेहरा नहीं छुपाते, तो अभी अपने घर का काम करने में क्यों छुपा रहे हैं? भाई नहीं है और नहीं आने वाली है अभी 5-6 दिन, भाई अपना काम तो खुद ही करना पड़ेगा। सुबह को क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो उसको ठंडे पानी या फिर पानी में किसी भी तरीके से हाथ नहीं डलवा सकते, तो करना तो पड़ेगा। बेस्ट हस्बैंड ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू टको। मिलेगा क्या वो बोल? ट्रॉफी। मुँह खाएगा ना जी? मुँह आलू का पराठा यहाँ पे बना रही है नानी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी मुँह। लो जी हमारे आलू के पराठे और बढ़िया से होममेड मक्खन यहाँ पर रेडी है। जिम्मू निकला है पापा के साथ में मॉर्निंग वॉक करने के लिए। सारा काम धाम छोड़ के हम लोग वॉक ही कर रहे हैं, मतलब घर में कोई काम ही नहीं हमको, हम सारा दिन बाहर ही पाए जाते हैं। जो देखता हो वो तो यही समझता हो कि 2 बार कुत्तों को लेके निकलते हैं, फिर बच्चे को 10 बार निकलते हैं, इनको कोई काम नहीं है। ये पता नहीं क्या है। चलो पापा को करो। चलो मैं सिंबू शेरू के लिए इस बार हम लोग ड्रूल्स लेकर आए हैं। लेट्स सी हाउ दे लाइक इट। सिंबा शेरू, इनको कोई लेना देना नहीं है। जिम्मू गया था फूड लेने के लिए, है ना जिम्मू? जिम्मू खाना आ गया बेटा, चल। वर्ल्ड कप छोड़ के टको इन दोनों को घुमा रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। देखो वैसे भी यहाँ पर कम लोग दिखाई देते हैं और आज तो बिल्कुल ही कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कि जो भी लोग होंगे वो शायद वर्ल्ड कप ही देख रहे होंगे। ये देखिए कैसे बर्ड्स आए हमारे यहाँ पर आज। जम्मू कितने प्यारे बर्ड्स आए हैं, ये कौन से बर्ड्स हैं? बात क्या पता है कौन से हैं, बाहर नहीं आने दिया कि बर्ड्स उड़ जाएंगे उनके भौंकने से, तो ऊपर से ताक रहा है। ए चल अंदर, एक नीचे आ गया। वर्ल्ड कप देखने आए हैं बर्ड्स भी। काफ़ी सालों के बाद सब लोग एक साथ बैठकर हम लोग ने वर्ल्ड कप देखा था और ये गेम हम हार गए थे, तो बहुत बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन हार जीत तो गेम के अंदर होती रहती है और जो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के साथ इंडिया हमेशा खेलती है, दैट इज़ समथिंग आउटस्टैंडिंग। और जिस हिसाब से कल स्टेडियम में जो रौनक थी, जो भी सब कुछ हो रहा था, एक्साइटमेंट की लेवल थी, वो तो कुछ और ही थी। तो वो सब कुछ देखने में तो बहुत ही मज़ा आया और ये एक्सपीरियंस बहुत अलग था और ये हमेशा याद रहेगी ये सारी चीज़ें। पर हार गई तो उसका बहुत ज़्यादा दुख भी है, सो बट इट्स अ गेम सो इट्स ओके। एनीवेज वी एंड द व्लॉग हियर एंड सी यू टुमारो इन अ नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड गुड नाइट।